सारे भाई ने राम राम। भाई मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू। देसी चुनावी यात्रा हमारी पहुंच गई है गढ़ी सापला किलोई में, किलोई विधानसभा। और भाई बात करा, अलग अलग नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये मेरे पीछे जो छोटा फ्लैक्स लग रहा है वो आम आदमी पार्टी, आम मानसा की पार्टी वाला, नाम है एक्स सूबेदार मुनिपाल अत्री, और विधानसभा है किलोई, जड़ते भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ा करें। ये आम मानसा के भीतर की चल रहा है भाई। हरियाणा में डमडमा शुरू हो गया राजनीति का, उराने दफ्तर से आई हूँ। आप भीतर चल लेंगे, सारे रेड मारेंगे, गण करेंगे तो सारे टोपी पहन रहे, सारे आम आदमी हो रहे हैं। भीतर तो से खास हो लेकिन आम हो रहे सारे। चलो मेरे खिला राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम। हमारे दर्शकों ने राम राम करते हो सारे सारे। यू सारे आम आदमी हो के कहता, खास भी हो ना भाई? सारे आम आदमी पार्टी, दिल के भी आम हो, दिल के खास ना भाई? दिल के भी आम, दिल के भी आम, अरे ऊ भी आम, जमाए आम, कती आम, जमाए भोले पदरे सीधे हैं जिसे दिखा। नेताजी करते रहे भाई, भाई नेताजी प्रचार करने जा रहे हैं, अलग अलग टीम बना रखी है। सारे एक चोर है, सारे नेता दिखो बता हम तो पहचानना खबर है। सूबेदार मुनि, क्या नाम है? सूबेदार मुनिराम मुनिपाल अत्री कर दे रहे भाई। भाई ये प्रचार करने जा रहे हैं, अलग अलग गाँव अलग अलग टीम जावे हैं। तो फिर हम जावा फिर भाई, हमारा क्या बदल है? ना ना जाओ क्यों, बैठो आ जाएंगे 5-10 मिनट में। फोन बना रहे हो तो तार धर्म, हम 2-4 मिनट में फोन है के कर दे, 2-3 मिनट में आ लेंगे। फोन आ तो तार पानी पियो भाई, देख 2-3 मिनट बाद देखा फिर चले भी जाओ। इतना तार के लग तुम कर ले, इतना तार तार में हमने बुक आया दे, इतना एक और फोन कर दे। हां कर ले भाई, कर मुआ रहा तो गांव में देता है ना तेरे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप ना, थम क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? हैं के आम आदमी पार्टी, ये देखो भाई कितने आम है, देखो ये इतने आम है, 44 डिग्री टेम्परेचर, पंखा बंद, इसके ऊपर आम आदमी की आम मन से ही पहचान नहीं हो सकती भाई। देखो पंखा बंद है, एक बार और दिखा दे, ये आम आदमी पार्टी वाले हैं। तो हम नू बताओ उराना यो प्रधान जी, आप भी कि नेता पर क्यों रहे हो थोड़ा कुर्ता पजामा काट रहे हो? अच्छा मनु को था, मैं ए सी वाले ऑफिस भी तेरे हैं, वो ए सी वाले ऑफिस में बैठो, पंखा बंद है, टेम्परेचर 44 डिग्री है, क्यों पसीना काटो अपना है? फिर आम आदमी तो यो एक काम है जी, फिर पंखा बंद कर लिया, कनेक्शन काट रखा है। ठेडी पार्टी को ना हमारी, इतनी ठेडी पार्टी को ना, आम आदमी सिंपल रहना। पहला हमारे बड्डे बुड्ढे भी ना पंखे गिर रहे हैं, हम भी आदत के लाग रहे हैं। कितने गांड बैठे रहोगे भाई? घर तो भाई लाइट दिनती नहीं, लाइट आ जाएगा तो चल पड़ेगा, चल पड़ेगा, नहीं तो नू भी बैठे रहे। हाँ भाई बैठना पड़ेगा, केजरीवाल आसन लाग रहा है तुमने देखा है? वो हमने देख कर नाचता बोला, देख के बेवकूफ बना के का, वो हमने देख कर नाचता, वो नुआ सा देख पब्लिक कितनी बेवकूफ थी। अच्छा। फिर भी ये सरकार ने बनाने लाग रही है लाइट ना पानी ना। अच्छा ज्यादा हासा हो, अरे ये गोपाल राय सीरियस हो रहा है, यो सीरियस यो फील कर जा बात ना। बालक गर्मी में बैठे हैं। यो केजरीवाल तो जहाँ तहाँ से है वही लोग फद्दू बना रखा है सरकार ने, और गोपाल राय सीरियस जहाँ है देख क्यों गर्मी में तंग हो रहे हैं। अच्छा कौन है? सुशील गुप्ता राज्यसभा सांसद, युवा सभी है और सीरियस भी, यू बीच में, यू बीच में बड़े की सोचा है भाई। ले भाई 2 मिनट हो गया हम चलना भाई, नेताजी तो है नहीं तारे ना, ना दो इतना टाइम कौन भी, दो ही 4 मिनट का देखो थम नू रही हो, थम जो पंखा चलता पाओ नहीं उड़े चले जाओ खड़ा है ना मेरे यार, 2-3 मिनट का तो था टाइम, इतना तो टाइम कौन यार, भाग दौड़ बढ़ रही हमारी कड़ी को नहीं भाई, नेता जी तारे वाह भाई आगे के आगे भाई, वो आ गया भाई, गाड़ी भी छोटी ईटा है, छोटी गाड़ी ले रहे हैं, बड़ी गाड़ी का भी उच्च कड़ा भाई, आम आदमी सिंपल रहना। अच्छा हाँ ये उतरे भाई आम आदमी, ये उतरे आम आदमी भाई, फौज में तो रिटायर है भाई, बड़ी गाड़ी खड़े था। अच्छा अच्छा अच्छा, और यो आधार कार्ड सारे टेक रहे ऊपर तम भाई, पहचान है? अच्छा अच्छा अच्छा, इब जोकर तेरी पहचान खंडवा बांध रहा है, हाँ जोड़ दे, हाँ जोड़ दे, आयु मारा आधार कार्ड है भाई। हाँ। यो अपना हरियाणा का आधार कार्ड है। हाँ, नेता जी आगे, आगे हाँ जी मुनिपाल अत्री जी राम बढ़िया जी, माम तो ठीक हाँ, हमारे दर्शकों राम राम कर, राम राम भाई, राम राम सारे, राम राम, मैंने कहा माम तो ठीक है, ये सारे समर्थक ये पसीने कटवाने लग रहे, पंखा भी बंद भाई, आम आदमी आपकी कुर्सी इस पे बैठ जाओ, मैचिंग हो जाएगी, संगठन मंत्री संगठन मंत्री, संगठन मंत्री तो खास है तेरा, यू जींस की पैंट में है, तो हम तो आम आदमी पार्टी बैठ जाए,
थामन सुनो पंखा बैठो पंखा तो चलो तो चल दें तारा बिजली ले लो एक बात हो बिजली भी ले लें और भाई देसी आदमी बिना बिजली में काम चला लेंगे हम तो मारती दे भगवान ने इसी चीज दे रखी टोपी ने ना तारे गने और जब गर्मी लाग है जो ने वाकर ले भाई ना मैंने को दामा कनेक्शन का ट्रक है बिजली दे रही है भाई साथ हमने नो बेरा था पत्रकार जी आज के हैं ठीक है माँ बाप भगवान करे बिजली जो रोज आज बिजली जा अरे आप चली गई बिजली आती है कोई ना अच्छा वो काम हो गया एक जना का बिजली का बिल कम आया करता नू बोला मैं तेरा बहुत कम बिल आया बोला जी मैं कराऊ हूँ जी तो बिजली नहीं होती बिजली कराऊ जी मैं नहीं होता करा बिल क्या का होगा भाई वो बिजली है ना जो वह घने साल पुरानी थी ठीक है बिजली के दर लग गया बिजली के दर लग बिल्कुल अरे यो भाई जो है ना दफ्तर है आपने बताओ यो भी भाईया दे रखा है यो भी फ्री में दे रखा है समाज बिल्कुल बिल्कुल अच्छा हाँ बिल्कुल धक्का तो ले रहे हो धक्का आम आम आदमी वाले धक्का कर सिखाता भी आ एक बात अपने प्यार में आया है तो धक्के में आया है मैं तो जान आ रहे थे मैं तो कहूँ धाप के समर्थक था क्यों गर्मी मरो कि एसी वाले ऑफिस में बैठो ना जाएगा अड़ बुकाई मैं रहने गया भाई पूरे दिन जो है ना डोर टू डोर करा हाँ अच्छा, पैदल चल चल गए पसीना सही लेकड़ा है और आधी बीमारी दवा खत्म हो जाएंगे जो हमारी गिल जाए अच्छा नू का है पसीना आप तो काटे काटे गिले सारे रेल बांधे रखा गिले गिले नू का है यू फौज मरा है यू फौजी आदमी है इसका तो बिगड़ता नहीं क्यों प्रैक्टिस अच्छी मार रखी है और उनका पेटे लादा रहा है राग जाना रहा है कितने कितने कि मैंने क्यों बखेड़े करता चल रहा है भाई साहब थारा प्यार है और ये भाई जितना पसीना काट देंगे देखो शरीर जब है आपका पसीना निकलेगा तो मानसिक रूप से भी आप तंदुरुस्त रहोगे ये भी हमारे मंत्री जो बैठे हैं ना बड़े बड़े ये ऐसी हम बैठे हैं पसीना काटते नहीं तो पहले ऋषि मुनि तपस्या करते तब उनका जो है बुद्धि से जब वो काम कराया करते तपस्या कराया करते और अभी जो ऋषि मुनि देखते नहीं अब गर्मी में भी चारों को शे लागा बैठ जाएंगे ठीक है और कोई आदमी कति बर्फ की सिलिए बैठ जा तब वो क्या आदमी को ना अर्ज आपने सुनी हो अपने भगत सिंह थे जेल में भगत सिंह ना चंद्रशेखर आजाद उनको जेल में जो है एक बार बोला भाई ना रात ने ठंड में बाहर बैठा दो अच्छा अरे वो ठंड में तड़के दी सीधा उलेगा बहुत देसी आदमी था वो पूरी रात दंड मरता रहा वो आए चक्कर आ गए क्यों देखा तो शरीर में तो पसीना इतना 5 डिग्री में उसके शरीर में पसीना लिकड़ लग रहा मेहनत करना लग रहा डिग्री में 5 डिग्री में जेल की बात से सच्चाई है तो हरियाणा की राजनीति की भी तपस्या चल रही है ये ठंड किसके बैठेगी ठंड आपने पेरा सारे ने पेरा सुनो बीजेपी का बैटरी कसूती डाला अच्छा एक तो नो बताओ कसूती डाला कड़ा बैटरी जो ना आशीर्वाद यात्रा के पूरा हरियाणा दिवाली से मनाई थी उस जगह बताऊंगा भाई साहब एक मिनट सुनो अगर जा उसके दिमाग में या बात ना हो अपने कार्यकर्ता ने कोई ना कहे अब काट दूंगा तुमने वहां से आप अंदाजा लगा लो क्या हो रहा है आदमी बुखार में बन गया कहीं हो जा ठीक है हाँ और दूसरी बात रही भूपेंद्र हुड्डा की वो आज भी आ रहा है भाई साहब आज के अखबार में पट्टी थी चलते चलते कृष्ण मूर्ति हाँ दोनों कांग्रेस भी बीजेपी जो बुखार दिन होगा फौजी साहब और पार्टी हम तो टिकटमबाजी चल रही है थारण में टिकटमबाजी है ही नहीं कोई रुके नहीं मार रहा भाई जिसने मिलगी ले लिया और कोई उन्होंने कहता भाई फौजी की टिकट काटो फौजी ने मिलगी तो फौजी एक ही है कोई तीसरा उछल के नहीं आंदा दूसरा उछल के नहीं आंदा भाई साहब ये सारे कार्यकर्ता बैठे ना सारे ने उछल करी थी मगर भाई जो सा भी लड़ रहा है भाई आम आदमी जो आदमी समाज के लिए काम करे ना वो टिकट ले लो और मैंने भाई थी ऑफर करी थी पहले अमित थी और सबसे पहले टिकट हरीश की थी हरीश बोला भाई बीमार हो गया ये बोला मैं दो बजे जो है एडमिट हो लिया और भाई अब की बार जो है और क्वेश्चन मौका दिया मारी पार्टी जो सर्वे करवाओ है पहले तो जो ईमानदार मारी पार्टी के तो रुपये तो छे नहीं पर काम से भाई नू सुनो यही है जब नून हो जाए आप तय घर जाएंगे नू बतला मैं बोला ठीक हो गया फौजी के ऊपर जुआ घेर दिया भाई बेरा के है बहुत बढ़िया बात है ये मेरे भाई हैं पर जुए नहीं ये था मेरे जो सच्चाई है हरेक आम आदमी था मेरा और आपने नहीं बेरा होता कलोई गांव में टिकट है ना भाई पूरे गांव नाराजी होगा ना विधानसभा नाराजी होगा जब मन टिकट ली है मगर भाई ये टिकट से काम कराने की राजनीति कराने की नहीं से समाज सेवा की बताओ सूबेदार साहब आपका तो चुनाव चिन्ह झाड़ू बिल्कुल ये झाड़ू भी खोज ली मोदी ने तारी स्वच्छ भारत झाड़ू में ठहरा के तारा चुनाव चिन्ह भी खोज लिया सुनो ऐसा कहने देखे कि हम खुश है न्यो वो तो कल ने हम चौकीदार आ रही के कह रही है बताओ आप कल की डिबेट की बता दो जो बीजेपी का थे के और उन्होंने बोले हाँ भाई तुम पानी ना अंताड़ है नहरा मत सारी पार्टी के आदमी थे बोले भाई क्यों नहीं अंता ने बोले हम चोर हाँ बताओ बीजेपी का आदमी ने कहा हम चोर सब पूरी सभा में अच्छा हाँ जी बिल्कुल अगली पिछली बात काट रखी होगी कि मैं बाद में भी कया होगा चोर कह के कि मैं और भी कया होगा चोर क्या कहने बोले जो हम सुंडियो लाओ ना हमने चोर हाँ माँ भाई सरकार थारी सुंडियो लाने क्यों दो थारे आदमी लाओ सुंडियो भी
और पलाश के तराला दिल्ली का जो मुख्यमंत्री बिजली मीटर तार का टायर था यो तार का टायर था उसमें छोड़ मेरी बात फरीद यार का भी जो करो बोला और कोई करे तो बोला करैक्टर ढीला खुद करे तो रासलीला बहुत बढ़िया तराला मीटर का तार काटे ऐसा है जो रासलीला ना कृष्ण भगवान की थी हाँ। मेरी बात सुनो वो वैसी रासलीला नहीं थी उनके भगत थे सच्चे ऐसे केजरीवाल के जो सच्चे भगत थे ना वो न्योकारते जी क्या देखो बिजली आड़े आ नहीं रहे ना रे बल मैं करता हूँ काम उसने न्यो को ना चलती नहर मत पानी ना छुटा उसने तो चलते मीटर मतलब लाइट दिया कनेक्शन दिया लोगों के पंखे बंद होता रहे ठीक से भाई भाई थी बिजना लिया एक दो भाई गर्मी में मर गया भाई साहब बड़े बड़े मंत्री दो रहे एक मिनट चलो लाइट तो चलेगी आम आदमी दो रहा है और आम आदमी दो रहा ये धन्यवाद साहब बिजली तो चलो चलेगी इन्वर्टर लगवा लेंगे ये लाग रहा है भाई साहब खराब पड़ा चीज दे रखा ना एक मिनट वो भाई बोले इन्वर्टर ठीक करा दें क्या दी भाई हमने तो काम करने हैं पंखे तरह थोड़ी बैठना है हमने काम करने हैं काम करना गर्मी मारने हैं गर्मी मारने नहीं गर्मी में काम करने एक बात आ तू भी भाई देशी आदमी है तूने बता कितना गर्मी हो ज्यादा हो तो नहीं देखे अब गर्मी ज्यादा में जाऊं है लेकिन इतना मोटा कुर्ता पहन रहा देख और नो का गर्मी है मन ने तो सोचा सुनो तो मन ने सोचा एसी चलता पाऊंगा मन ने मेरा तो पंखा बंद करे पाऊंगे बारी इतना इतने आम आदमी मन आम आदमी आम मानस ही सुनी तो थी इतने देसी आम मानस में हमने कम मिले भाई 44 डिग्री का टेम्परेचर पंखा बंद गाड़ी में एसी चलाओगे नहीं भाई बात सुन गाड़ी में क्यों गाड़ी भाई मारा हरीश जी हैं 55-60 साल गए जब शीशे तरवा दिया करे अगर ए सी चला तो मैं बीमार हो जाऊंगा मतलब ना कि हम तो जनता ने भी बीमार ना होने दें तमने फायदा हो जाए ठीक है इसका ए सी बंद करने में ते एवरेज ठीक देगी गाड़ी भाई सारे आम आदमी का फायदा हो है ये बताओ मोदी साहब की रैली थी हमने कहना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री हैं पर ये जो 200-400 करोड़ जो खर्च करे हैं ये गरीबा में करे हैं रैली में प्रचार जरूरी ज्यादा आपने एक बार अनाउंस कर दिया जो आपके समर्थक हमेशा भी आओगे ये कौन सा झंडे डंडे लाल लागन है और गाड़ियां बगाड़ियां डागन है किराए की गाड़ियां लागन है ऐसे ही भूपेंद्र हुड्डा साहब है अरे वहां इतने आदमी थे घोहने की रैली में वोट को ना पड़ी राजनीति में ग्लैमरिंग है घनी घनी राजनीति ना करे ना ये समस्या तो राजनीति का मतलब नहीं जानते मन ने पॉलिटिकल साइंस तक रखी है बीए अच्छा इवन जो पहले था कि पॉलिटिकल साइंस तक किसी ने बीए कर रखी है और इनके कौन से बालक सरकारी स्कूलों पर पढ़े मेरा लड़का सरकारी स्कूलों पर पढ़े केंद्रीय विद्यालय में अच्छा हाँ ये क्यों तो प्राइवेट पर गए हैं ना भाई साहब एक मिनट बिल्कुल सेंटर का स्कूल है तो सेंटर ठीक है और केंद्रीय विद्यालय जो सरकारी स्कूल है और पूरे देश का एक ही सिलेबस चलता है एक चीज और सुन माइया जो मैं जब किसी पर रेड मारा करूँ नी जन्म कुंडली काट के चला रू नू कह जी आपके कार्यकर्ता नू कह दे थोड़ा पेट का नहीं हाथ लगा बोला भूख सी लागी भूखड़े ले ले पाइया भाई देख सुने मैं दो चीज है मेरे दो रहे या तो भूखड़े ले लो या भाई या बा बंदर वाले केड़े खा लो कल मंगलवार सोमवार ने सोच लिया भाई शंकर भगवान खाओ भाई सोमवार ने खा भूखड़े मंगलवार ने केड़े और बुधवार ने बुधवार ने पानी पी के काम चला जाएगा जिन आम आदमी यहाँ क्या दिक्कत है एक बात है थामने मेरी बहुत रेट देखी होंगी भाई दर्शकों फिर आज वाली रेट में कुछ घना ही मजा आ रहा है नुका भाई मैं ज्यादा दिक्कत आ तो भुगड़े खा लिया नहीं केड़े खा लिया हार नहीं तो पानी पानी पे चल जा अनशन तारा या धरना वाली पार्टी है जो ये तारा रख रख में आएगी बलट में आएगी यह चीज मतलब जो अनशन पर भी बैठ के पानी पानी पे चल रहे हैं तो हम प्रचार में भी अनशन पर का काम कर रहे हो प्रचार भी अनशन पर का तारा भाई जिस गांव में जा है ना भैया का प्यार इतना मिल रहा है हर आदमी इतना प्यार दे बोले बना ले एक आध आदमी ने नौका दे बेटा ला दूध दे पी ले मगा ऐसा है तऊ तो दूध लिया कोई बात नहीं पर आधा आधा कप लिया अच्छा। क्यों मारे जो है ना करिंदे नौका है दूध जब पीवा जब ये जो शराब के ठेके बंद हो जाए जब हमने स्वाद आवे आड़े दूध पी लिया और कुछ बालक साहब ने जा शराब पी हुए तो क्या फायदा उस मारे दूध का बताओ आप करीब जो गाँव में जाओ हो लोग मिलो हो क्या कहें लोग हाथ जोड़ के बस भाई पांडा छोड़ दो क्या देगा नौको में है क्योंकि प्रचार करने वाले घने पहुंचे ना सारी पार्टी आपसे एक रिक्वेस्ट है भूपेंद्र हुड्डा साहब जो सांगी गांव के हैं सांगी गांव में जा गए बुझियो एक आदमी जो भूपेंद्र हुड्डा से कितने तंगा लिए और जहां से बीजेपी वोट ज्यादा रही है ना वहां जाकर ने बुझो खट्टर साहब से कितने तंगा लिए पता क्या है इनको बनाया था विश्वास था जनता को काम करेंगे काम नहीं करे अब काम नहीं करेंगे देखो बताओ कौन इन्हें बनाओगा दोबारा और हम तो एक विश्वास रखा काम करने में हमारी पार्टी ने बताओ बिजली फ्री एक ने बोला भाई थारी पार्टी सबके हम फ्री में दी है मैं बोला कौन कह है थारा पैसा टैक्स से हर एक आदमी लेता है एक पार्टी ले है और तो थारे पैसे का जो गरीब आदमी के पास सदुपयोग हो जाए है इनकी डर नहीं होता कोई ना 500 किले कितना पाऊं 250 किले पाऊं तो ये चीज तो नहीं है सूबेदार साहब एक सवाल का और जवाब दो जलेबी पर का सीधा करेला पर का मीठा दिल्ली में तो करेला भी मैं बताऊंगा भाई करेला सही कहा करमू भाई ने समझ के देखो
करमू भाई ने कहा जो करेला इतना मीठा हो आप क्या दी बीमारियों काट देता बिना इंजेक्शन बिना दर्द के, तो मीठी चीज है। दूरबीन वाला ऑपरेशन, दूरबीन वाला चीरा भी नहीं देंगे, दूरबीन का ऑपरेशन बिल्कुल, बस चीरा इन दे दर्द नहीं होगा। पर बेरा क्या हो रहा है जी, लिगड़ ले सोता जी बाद में बेरा पटा भाई गड़ करा लिगड़ ले, या क्यों होया? कई डॉक्टर तो कैंची छोड़ जाया करते जो ही न बना रखे हैं, तो ने बोले बना दूरबीन का खरीद दे के देखो सा कैंची छोड़ दिए। ये आजकल थोड़े नामदारी डॉक्टर रहे नी जो फर्जी डिग्री लेकर डॉक्टर बन जाए गण करे, थारे जो मुख्यमंत्री जी हैं दिल्ली मुख्यमंत्री जी, जब दिल्ली में कांग्रेस हो है तो वह उनकी अपनी लाग है, पाछे पड़ जाए मार्गिल गठबंधन कर लो कर लो कर लो कर लो, और वह कांग्रेस हरियाणा में बूंदी लागने लग जाए, या कौन सी राजनीति? मैं बताऊंगा इसकी राजनीति, देख भीतर की बात बताइयो, भीतर की बात कति भीतर की बताऊंगा, मेरी बात सुनो बहुत बढ़िया। ऐसा है अगर जब सबसे बड़ा पैसा है ना, सबसे बड़ा पैसा नहीं है, सबसे बड़े आम आदमी। अच्छा एक बताओ भाई, किस दौर पीछे हमारे दौर पहले आपने बुझो जी भाई साहब, ना ना कोशिश कुछ महीनों करो सारे झाड़ा ले लो एक बार, अच्छा कोशिश दौर भी 1000 रुपए पाजे तने दे दे सारे, और बताओ यूं तो टॉपिक चेंज कर दिया, उस सवाल का जवाब तो दे दो, जो टॉपिक नहीं चेंज करांगे, टॉपिक का यो है जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा अग भाई तुम जो है एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ लो, उन्होंने कहा था बीजेपी ने जो ज्यादा ही भ्रष्टाचार फैला दिया, ज्यादा ये करे थे भ्रष्टाचार खत्म कराएंगे, कहाँ खत्म हो गया मेरे भाई एक बार बताओ। परसों की बात है, एक आदमी ने रिपोर्ट कराई रोहतक की, अग जी मेरा एक जो है 24 घंटे के बाद एक बंदा लापता है, वो बोले जी फिर तो यहाँ पर नहर में जी देखने आ गए, भाई कहीं नहर में तो नहीं कूद रहा, यही एक किलोमीटर दूर नहर है, इसमें से जी छह डेड बॉडी मिली जी। अब ये बताइए एक आदमी की लापता रिपोर्ट में 6 डेड बॉडी मिलती है, बोलते हैं हमारा भ्रष्टाचार जो है भ्रष्टाचार युक्त जो है हरियाणा बना दिया, कहाँ से बना दिया? सारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है कि बीजेपी के खिलाफ है? मारी लड़ाई है अब जो भी हो बीजेपी कांग्रेस दोनों के खिलाफ है। दिल्ली में क्यों नहीं? दिल्ली में भी है, दिल्ली में गठबंधन हमारा, गठबंधन कर लो ऐसा। आपने बेरा होगा ब्रेकिंग न्यूज चली थी मेरे भाई, केजरीवाल पाछे पड़ रहा, शीला दीक्षित जी का पुराने पुखेरू हो लिए, वो बेचारे स्वर्गवास हो गया, पाछे पड़ रहे कर मुझे सारी बात अपनी ना सुन, एक मिनट मेरी भी सुन ले, मैंने के कही हमने न्यूज आई थी पहले जो इनको बार कर लो, आम आदमी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी जैसे उसमाई है तो ये तो मान के कांग्रेस है काम जो है पीछे जा लिए, हाँ तो हमने कहा था तुम जो है हमारे को आगे कर दो हम सुधार कर देंगे, आगे आगे आने की बात थी बिल्कुल, मतलब जब गठबंधन करोगे तो आगे रह के करोगे ताकि भ्रष्टाचार न फैले, जैसे वहां पर शिक्षा का स्वास्थ्य का जैसे बार बार कर रहे हो आप, स्वास्थ्य की बात कर रहे हो, अस्पताल बढ़िया नहीं आ रहा, स्कूल बढ़िया नहीं, भाई साहब दिल्ली में हो गए, दिल्ली में से नहीं आप बता दो चलो, और आपका रिश्तेदार यारा प्यारा पक्का होगा, और ना है तो भाई मैं एक आप नोको हूँ एक बार मेरी गेला चालिए, अच्छा और भाई दिखा के लाऊंगा जो ग्राहक तक खुल जाएंगे, या तो काम करना पड़ेगा, एक दिन गेला चलूंगा मैं भाई, मैं आम आदमी पे चल लूंगा भाई ने, लेकिन पर चलना है बस वो भाई देखना, देखो हेल्थ की बात करें और एजुकेशन की बात करें तो इस बात का रुका हो रहा है दिल्ली में, एक दिन भाई गेल चलेंगे फौजी साहब आप गेल चलेंगे, और एक बिजली का भी हो रहा है जो आप नोको ना, 200 यूनिट फ्री है, और भाई 1 करोड़ मान सम्मान राशि आपने भी इस चीज ने नकार नहीं सकते, नोको ना संविधान, संविधान बनता जनता के हित के लिए, संविधान जैसे बना दिया इन्होंने, स्कूटी ले रहा 15,000 की और भाई साहब चलान काट दिया 25,000 का, एक अपने इलाहाबाद से आपने अगर तो सुनी हो रिपोर्ट है, वकील साहब ने कहा कम से कम भी 30,000 मौतें जो हैं यहाँ पर खड्डों की वजह से हो रही है हमारे देश में, खड्डों की वजह से, अब जो हमारे व्हीकल है पहले आते ही तो क्या करते हैं गाड़ी निकलने से पहले लाखों रुपए टैक्स लेते हैं, रोड टैक्स जिसको बोलते हैं 15 साल का भरवा लेते हैं, उसके बाद पेट्रोल पर अलग से टैक्स है भाई साहब है, उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया टोल टैक्स है, और भूपेंद्र हुड्डा तो ऐसा काम कर गया इकलोई का कती नो आदमी सोचता है ना आग भाई गाड़ी केक रहा गाड़ी काट गए 5 साल पड़े, इतना विरोध ना करो भूपेंद्र हुड्डा का, मन मन केजरीवाल मिलने की सोच रहा हूँ, मिल जाए तो सच्चाई है, एक मिनट है सच्चाई, हम केजरीवाल साहब ने भी कह दिया, केजरीवाल जी कई बारी दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली पॉलिटिक्स कर ले कई बारी, भाई साहब एक मिनट है केजरीवाल साहब भी कह दें, केजरीवाल साहब भी आम आदमी है, खुली बात बिल्कुल कह दे हाँ, और केजरीवाल साहब सुनते हैं अब सुन लो, हमारे जब बुला पहले सबसे पहले पूछा था सभी से अब भाई ये बताओ हरियाणा में क्या क्या समस्या है ताकि उनको पूरा करो, पहले मैनिफेस्टो नहीं निकालते हो वो तो काम करते हैं या झूठे मैनिफेस्टो, मैंने बोला जी एक पेंशन बढ़ानी चाहिए, बोले अब बताओ मगा जी 5,000 बोला ऐसा है अंत करेंगे क्योंकि बड़ा पे में एक आदमी अपना मान सम्मान चाहता है, हर इंसान जो है नौकरी से रिटायर नहीं है, दूसरी चीज मैंने बोला था जी न्यूनतम तनख्वाह जो है जैसे यहाँ पर 14,000 कर रखी है और हरियाणा में जो 8-9,000 दे फैक्ट्रिया में काम वो एक कर रहे हैं, तो बोला भाई ऐसा करो इसको कम से कम हम आगे तो 18,000 रुपये करेंगे आपते डबल करेंगे, पेंशन खत्म
5,000 कह तो दीजिए, 2,500 से 5,000 सुनी मंगा। सुनो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर दिया आपने। जब अपने हरियाणा में 1,000 थी, जब 2,500 थी, ये कहते हैं ना आम आदमी आएगा तो क्या फायदा हो गया। 2,500 एक बच्चे की फीस भरा, 2,500 और 5 को आप गुणा करो 12, 12, 5, 60,000 60,000 को आप गुणा करो 5 से 5 साल में 3,00,000 हरेक आदमी के बचेंगे। हरेक आदमी के बचेंगे तो उसके मानसिक परेशानी आदि खत्म, वैसे अस्पताल फ्री होंगे तो 5 साल में कम से कम 50,000 उसके बचेंगे। तो भाई साहब हरेक आम आदमी का पैसा आम आदमी के पास जा रहा है। एक बात और सूबेदार साहब, मैंने जो जन्म कुंडली लेकर आ रहा हूँ आपकी, और निर्मल बाबा की ढाल माम भी कुछ खोजबीन करके आगरा। अच्छा नो सुन मारी है, जब भी दिल्ली जाओ हूँ केजरीवाल जी आपके गले, मतलब आप उनके गले बैठ कर रोटी खाओ, इसी कौन सा गोली कैप्सूल दे रखे तो गले बैठ कर रोटी खाओ। ऐसा भाई साहब जो आपने सुनी है तो देखो इसमें नकारात्मक बात नहीं, मैंने रोटी नहीं खाई है। हाँ साथ में बैठ के कॉन्फ्रेंस होती है, साथ में बैठ के जो चाहे हम पियोंगे चाहे वो पियोंगे। बात उठी देखो रोटियां जो एक मिनट है, ऐसे नहीं खाना बनवाते हैं साहब, सबके लिए बनवाते हैं। नॉर्मल खाना जो आम आदमी खाता है वो बनवाते हैं, ताकि बैठ के खावे। ना ना साथ में बैठ के खाते हैं, ना ना अलग का मतलब ही नहीं है। केजरीवाल साहब कई बार नूबी हो जब भीतर तो सूत्रा सूत्रा खाया हुआ तारा तेरे बैठ के रहा कुर्ता देखो हुए का था नुका दे अब कुर्ता ना संभाले। मैंने कहा भाई कोई बात ना, एक थान पड़वा के दे दे भाई, पर नया पांदे दे आम आदमी का नहीं। कई बार नूनो भीतर तो सूत्रा सूत्रा खाया हुआ तारा तेरे बैठ के एक दो मुगल तोड़ के। मैंने कहा भाई मोटी चेन भी दे दीजिए भाई, आम आदमी ने कोई दिक्कत करो ये मंत्री बचे रे भाई। जय तो सुने या किसी ने, अरे भाई अब मिल रही है नहीं भी ले लोगे। एक बात है मां, इन आम आदमी का नूबिन तसली इन मनवानो का पीतल की है, ठीक है। हां तो सुनना की भाई एक मिनट ये बता दी, अब दम मिल रही है और लाइट दे दो टाल कर दे। अरे या घड़ी है ना भाई, सुने या घड़ी मेरे बाबू ने दे रखी है भाई, पेंशन आना। अच्छा मेरे पिताजी ने 65 कहते की लड़ाई लड़ी है भाई, ठीक है। ओरिजिनल चीज है, क्या दिक्कत है? अरे मेरे बाबू के पास गलत चीज है भाई, सबसे पहले मां बाप से है और उसने अपने बालक थी जब रिटायर आया जब या तोहफे में दी मेरती दया जो आशीर्वाद है उनका बहुत बड़ा। या नो बतावा टाइम पर रहना चाहिए, टाइम पर रहना चाहिए, टाइम पंचुअलिटी जरूरी है, ठीक है। आजकल देखो जवान बालक सो आप, और आम तो आपकी जो कब्जे कब्जे देख कर आप एक मैसेज दिया करो, अगर भाई हरियाणा का आदमी ना जो देसी दूध दही का खाना, ठीक है, उस पर भी आप जोर दो। जैसे आपने अपने ये बना रखे चेत आपने अपने पसीने निकालते हैं सुबह शाम, कई आदमी ने भी जो कर हम देखा ना आपका प्रोग्राम है जो बड़े कब्जे कब रागला मेहनत करे तम करो, ठीक बात ना। ना एक चीज हो रहा है, शाकाहारी तो रहना चाहिए। मैं भी जन्म बिल्कुल जन्म तो शाकाहारी हूँ। और चीज तो खुश हाँ, आप पुरानी परंपरा चला रहे हो भाई साहब, ये खंडवा है ना जो ये हमारे हरियाणा की आन शान थी, इसने लोग भूल गए, ठीक है। चिटपिट गिटपिट में पड़ रहे हैं और हरियाणवी दिल की बोली अपनी माटी की खुशबू का तरह तो लग रहे हैं। किसी ने बुरा लागो तो हमने बुरा लागे मेरी बात बुरा मान जियो, बुरा मान जियो हम तो गणेरा जी हो यहाँ अब विदेशी आदमी है और भाई ने सब रेड पड़न में मेरा जी, रेड पड़न में मेरा जी, राइट। एक बात रेड मारे तो रसे की रेड पड़न में बता। हां नुको सुनो एक मिनट खड़ा हो ले भाई, ना नुको मार तो खोन ने कोनी मारा सन्नी के बिगाड़ेगा, मारा सन्नी के बिगाड़ेगा। या कुर्सी देख ये देख ये भाई, ये हमारा कर देख, या तेरी थी नोंदी थी मठा टा आदमी है ये, मैं भी तो अखिल ठकवा ले ये देख ये तो गेर थम। तो एक बात है बोलो खबड़ो कम को कदा कमरवाओगे किसे काड़े हैं, गणया मत में भाई गणया मन से नु है रेड तो आप पड़े ली। हां भाई साहब हैं बैत गंगा में सारे हाथ धोया करें, बहाना बहाना सर रेड के बहाना मारे जो दर्शक भी हैं और किलोई अड़के के जो लोग हैं उन तक को संदेश छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, आपने ये मौका देवा एक मिनट खतर। ऐसा है जी मैं पूरे किलोई विधानसभा के वासियों से एक ही प्रार्थना है, अग भाई सो गए वो मत गिरियो, जाग जाओ जाग जाओ। मैं समाज सेवा के लिए आया हूँ, राजनीति के लिए नहीं आया हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने अनाउंस पहले भी कहा था जब किलोई गाँव में टिकट वितरण करके गए हैं माननीय जो प्रदेशाध्यक्ष हमारे नवीन भाई और माननीय सांसद सुशील गुप्ता आए थे, मैंने पूरे गांव को इकट्ठा करके ने और जब टिकट नहीं हुई थी वो पूरे गांव की है और पूरी मैंने को पूरी विधानसभा की टिकट गांव की कोई ना है और हर एक आम आदमी की टिकट है। तो अब की बार जब आप अपने विकास चाहो हो तो आम आदमी को चुन लो भाई, मैं कोई मुख्यमंत्री का बालक नहीं हूँ, बाकी थारी मर्जी है। 5 साल बाद मौका होगा, कदे कोसा नहीं होगा भाई, बताई नहीं मौका नहीं मिलेगा। हाँ मौका दे दिया और डोर टू डोर जान लगे ना भाई, किसी भाई का घर रह जाए तो उसके लिए मैं माफी मांगो हूँ और हाथ जोड़ गया भाई पूरे विधानसभा वालों को हूँ, अब की बार भाई इनको दिखा दो आम आदमी की ताकत, आपका विकास देश का विकास। एक मिनट पूरी होगी, मैंने सोचा नौका होगा सबका साथ सबका विकास, तुमने क्या बना दिया आपका विकास देश का विकास, आपका मतलब आम आदमी का विकास है तो देश का ऑटोमेटिक विकास है भाई साहब। ये विकास तो मत हमने नहीं, वो जूस का गंडा का जूस का डालने मशीन नहीं आ रहा है, ये विकास तो उसमें पीट रखे सारे ने,
सारे राजनीति वाले विकास ने पीट रहे हैं, विकास का तो जूस कर दिया था हमने भाई साहब, जूस लेकर जाए ना तो ये सारे पार्टी वाले जिन्हें लेता ना बाहर चले जाए, जो 10 साल का नौकरी लेके हैं भाई, सबका विकास मारा विकास। तो आपका एक मिनट का टाइम था वो पूरा हो गया। और मैं एक बात हो रहा है, एक मेरे पर जो रिपोर्ट आपके बारे में नो को है, थम्मण का बटन कौन इसके फौजी का थमता ही नहीं, एक आधी पर थोड़ा भाई एक मिनट है, हम 5 साल जा बन गया जेपी ना थम्बा भाई, काम करके दिखावांगे हमें थम्मण तीन आया है काम करने दिया आया भाई साहब। नो का कई बार अपनी अपनी सुना दे, दूसरा ही सुनता ही नहीं। यह बात भी बहुत बढ़िया कहे भाई, बात सुनो, मैं नो सुनाऊ ही बे, एक महीने की सुनाऊ, उसके बाद भाई जनता की सुनूंगा। इब तुम मेरी सुन लो मेरे भाई, अब की बार जो है इसको बदल लो, बदल लो बस। चलो भाई, एक प्राकृतिक चिकित्सा को आ रहा, पसीना लेकर दिन जितना उतना ही शरीर निरोगी रहोगा भाई। ये सारे निरोगी तो जहाँ तो हो गए, कुछ तो इनके मुँह पसीने चढ़ रहे हैं, और कुछ लाइट जा रही है, पंखा बंद है, कुछ उस तक पसीने लिकट गए, कुछ इलेक्शन है गर्मी के पसीने, कुछ ऊपर वाला ही गर्मी के पसीने, कुछ भीतर भी गर्मी सब का है, और कुछ मेरे सवाल है गर्मी पसीना लिकट लिया इनका खूब, और ये हो गए सारे निरोगी। तो इस देसी रेड में मेरे को लगता हम जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मन बेरा भाप तो त्रेंद्र भाई, संसार क्रांति जो आप आए हो, आपका पूरे चैनल का मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने कम से कम आम आदमी की सुनी तो ना, तो यहाँ तो क्या है अग जो है पत्रकार हमारे पास ने सोचे जावा कि ना जावा, कदेशी ना चलता हो आम आदमी थोड़ा पीछे हो जो। अरे मैं सारे में देखो राजनीति ने कुछ अपने अंदर गलत चीज डाल रखी है, उसमें तो हम भी शामिल होते, हम बच रहे हैं। मैं कहूंगा जातिवाद तोड़ो, तो हम कहियो भाईचारा जोड़ो, तेज आने दो, थोड़ा पीछे ले लो, सारे आ जाएंगे, थोड़ा पीछे हो लो, सारे आ जाएंगे, नहीं आ जाओ इब सारे आ जाओ, गिरोह बना लो, गिरोह गिरोह बना लो, सारे गिरोह बना रहे, हम भी गिरोह बना लो, राजनीति वाले का गिरोह आ गया मेरा गला भाई, आम मानसा का गिरोह। मैं कहूंगा जातिवाद तोड़ो, तो हम कहियो भाईचारा जोड़ो, जातिवाद तोड़ो, जातिवाद तोड़ो, जातिवाद तोड़ो, अरे एक देखो ऊँ तो जब ऐसा राजनीतिक विचारधारा अलग हो, ताजी ताजी धारा टूटे। मैं कहूंगा भारतीय सेना जिंदाबाद, आ रहा हूँ तो आप सेना के आदमी हो, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। और भाई अपना हरियाणा खातर बोल दो, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणा।